जिले में विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए डीएम कोर्ट में मंगलवार को नामांकन पत्र खरीदारी का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे से डीएम कोर्ट में नामांकन पत्र देने का कार्य प्रारंभ हुआ है तथा 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए हैं, जिसमें ऋषिकेश गुप्ता, चामुंडेश्वरी प्रताप चंद, सीपी चंद, रजनीश यादव, कौशल्या चौरसिया, अमित कुमार पांडे, रामचंद्र सिंह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र देने का कार्य 22 मार्च तक चलेगा, इसलिए सभी प्रत्याशी 22 मार्च तक कलेक्ट्रेट आकर नामांकन पत्र प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को नामांकन पत्रों की वापसी होगी और 9 अप्रैल को वोट पड़ेगा तथा 12 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, अधिसूचना जारी होकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सूचित भी कर दिया गया है और वहाँ पे पुलिस मजिस्ट्रेट्स की तैनाती करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, कानून दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था की गई है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज प्रातः 11 बजे से, आज 15 मार्च है, 15 मार्च की प्रातः 11 बजे से आज हम लोगों ने नामांकन प्रपत्र देना शुरू किया है। अब तक कुल 6 लोग हैं जो नामांकन प्रपत्र लेकर के गए हैं। सर, ये कितने दिन तक चलेगा? ये आज 15, 16 से लेकर के 22 तक होगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति नामांकन प्रपत्र ले सकता है और उसके भर करके जमा कर सकता है। इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च को है, 3 बजे तक। इसके बाद 22 मार्च तक का नामांकन है, 26 तारीख नाम वापसी का है, 9 तारीख को चुनाव है और 12 को मतगणना है।